गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी सुबह हमेशा अच्छी हो, मॉर्निंग बहुत अच्छी हो आप सभी की। जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ, फटाफट कंघी वंगी कर ली है, अब जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह हो गई अच्छी खासी, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ। थोड़ा सा वॉक करना बहुत ज़रूरी है, सुबह की ताज़ी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। लाइट ऑन कर दी यहाँ की, लेकिन वापस से ऑफ करूंगी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, लाइट जाए कोई फायदा नहीं। सीढ़ियों के लिए लगाई है वो लाइट केवल। थोड़ा सा जल्दी से वॉक करके आती हूँ, वहीं से आते समय दूध के पैकेट भी ले लूंगी। बेटा मेरा सो रहा है और मौका अच्छा है, जब तक वो सो रहा है और मम्मी पापा भी हैं घर में तो आराम से वॉक कर सकती हूँ। वॉक करने वैसे नहीं आ पाती हूँ, कभी कभार आ पाती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर में होते हैं। मम्मी पापा घर में थे तो मुझे मौका मिला, मैं फटाक से आ गई। थोड़ा सा वॉक करने के लिए अच्छा लगता है और याद आया कि पता नहीं दूध की दुकान खुली होगी कि नहीं खुली होगी, क्योंकि दूध के पैकेट लेने थे। बारिश के टाइम में अगर मैं वॉक कर रही होती हूँ, जब ये बरसात का जब सीजन होता है, उस समय तो चारों तरफ यहाँ पर हरी भरी घास ऐसा दिखाई देती है, लेकिन इस समय पे काफ़ी सूखा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बारिश का सीज़न जा चुका है, सर्दी भी जाने वाली है, तो वैसा मौसम तो नहीं दिख रहा है। मौसम अच्छा है बट घास वास ऐसा हरियाली नहीं दिखाई दे रही, नहीं तो पुणे में तो बहुत हरियाली दिखाई देती है उस समय पे अगर आए तो, बारिश के मौसम में। हाँ आंटी, नहीं वॉक करने के लिए जा रही थी, मज़ा आ गया मुझे, जल्दी जल्दी चलती हूँ, काफ़ी वॉक हो गई है मेरी। आंटी आ रही थी एक साथ में, थक गई हूँ काफ़ी, आ गई हूँ मैं, चलती हूँ अंदर, पानी आने वाला है आज। पानी की चिंता तो होनी है। अभी तो आया नहीं है, 7-8 के करीब आएगा शायद, 8 या 9 बजे के आसपास ही आएगा, तो नहीं आया। मेरा कुछ कुछ हो रहा है अभी, सो रहा है, तब तक मैं भी जरा गर्म पानी पी लूं। आज मुझे काफी सारे कपड़े भी धोने हैं, उठ गई हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लिए और अब मैं ये कपड़े हैं जिन्हें कि मुझे धोना है। और आज मैं सारी ही जितने भी मेरे ब्लैंकेट या बेडशीट वगैरह है सब धोऊंगी। आज मैंने मम्मी से पूछा, वैसे मेरी मम्मी उतना हलवा नहीं पसंद करती मीठा, लेकिन मेरा बेटा हलवा बहुत, सूजी का हलवा उसे बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सूजी का हलवा बनाऊं। और ये जो नीचे वाली अलमारी है ना, इस अलमारी को मैंने थोड़ा थोड़ा मैनेज किया है इसको, ये इसमें ये वाला पेपर मैंने बिछाया, थोड़ा मुझे टाइम लगा, और बाकी ये मेरी राशन की दुकान की तरह अभी इसमें भी मुझे लगाना है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता कम है, कम मिल पाता है, क्योंकि जो रात वीडियो वगैरह मुझे बनाने होते हैं अपने खुद के आवाज़ में, जो मैं बनाती हूँ सास के बहू के, जिसमें करेक्टर हैं 4-5, तो उस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब मेरा बेटा सो जाता है तब मैं कुछ ऐसे ही 12:30 या 1 बजे स्टार्ट करती हूँ, और फिर अभी इस समय काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बट शौक तो मेरा ही है, तो 1 बजे से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ, तो कभी कभार 3 बज जाते हैं बनाते बनाते, और कभी कभार 1 घंटे में भी हो जाता है, जिसमें अलग अलग ड्रेस पहनना होता है, अलग अलग गेटअप
अपना करना होता है चेंज, कभी सास कभी बहू कभी ससुर ऐसे बन बन के जिसमें आना होता है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है करने में। ये टमाटर रात को धो के रखे थे, इनको उठा के फ्रिज में कपड़े से पोंछ के रखना है मुझे। और ये जो खड़ी हुई लाल मिर्च है, कश्मीरी मिर्च और वो दूसरी वाली मिर्च, दोनों लाल मिर्च को मुझे पीसना है, क्योंकि मैं पाउडर वाली मिर्च तो नहीं खाती हूँ, हरी मिर्च ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़ा सा उसे पीसूंगी हल्का सा रोस्ट करके, और वो फिर मैं अपने मसालेदानी में डाल के रखूंगी। मसालेदानी यानी जिसके अंदर सारे मसाले रख, एक ही में ही छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, उसके अंदर हम मसाले रखते हैं वो वाला। आज अवन भी मुझे अंदर से साफ करना था, फ्रिज तो मैंने रात को साफ कर दिया था। तो यही सब रूटीन में बहुत सारा छोटे से लेके बड़ा तक काम होता है। जिस दिन कपड़े वगैरह धोने होते हैं उस दिन ज़्यादा हो जाता है, और कपड़े फोल्ड करने वाले दिन, जिस दिन कपड़ों को तह लगा के रखना होता है फोल्ड करके, उस दिन तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इकट्ठे धुलते रहते रखते रहते रखते रखते फिर एक दिन कपड़ों का पहाड़ हो जाता है, उस पहाड़ के बीच में आप घुसे हुए होते हैं तब आप कपड़े रख रहे होते हैं। तो आज मैं सूजी का हलवा रेडी करूँगी, जब तक बेटा भी उठेगा सो के और मम्मी पापा उठ गए, और मैं बनाती हूँ अब सूजी का हलवा। गुड मॉर्निंग सिदान, बच्चे उठ गया है? कुछ 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 नानी जी को भी करना। अच्छा बन जाए, खूब पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए बढ़िया तरीका से बस। मैं आज नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में ये बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैंने सूजी देसी घी में भूनने के लिए रख दी है, जब ये भुन जाएगी हल्की हल्की ब्राउन हो जाएगी तब सूजी का हलवा ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो आज इसकी पसंद का हलवा मैं बना रही हूँ। हलवे में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा ये कोकोनट डालूंगी, इसको मैं कट करूँगी बारीक बारीक, थोड़ा सा इलायची दाना डालूंगी, चीनी डालूंगी। अब मम्मी फिदान आपको हलवा अच्छा लगता है? ठीक है, तो मम्मा आप ही के लिए बना रही है ना? यस मम्मा, मैं हूं यहां। आपके लिए बना रही है ना हलवा? फिदान को बहुत अच्छा लगता है हलवा। होने वाली है तैयार हलवा, इसके बाद थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको सर्व करूंगी, थोड़ा थोड़ा घी डाल के खाएंगे। क्या क्या मिक्स किया है मम्मा ने हलवे में? पानी, अच्छा, और घी, और अच्छा, और ये कोकोनट, कोकोनट और ये मिक्स किया कोकोनट। अब ये हलवा मेरा रेडी हो गया है। अब इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सर्व करने से पहले, देने से पहले, मम्मी पापा सिद्धांत के पापा और सिद्धांत सब थोड़ा सा अगर इसमें घी डालूंगी तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। यस, नानी का भी है। ये हलवा गर्मा गर्म रेडी हो चुका है। अब हम हलवा खाने जा रहे हैं। चलिए आप भी टेस्ट कीजिए और बताइए हलवा कैसा बना है। आप बताइए आपको सूजी का हलवा अच्छा लगता है या फिर कोई और हलवा? आप भी आइए और खाइए।